देख रहे हैं इसे कहते हैं स्नो बेसबॉल। बेसिकली आज तक ये समर स्पोर्ट ही रहा है, तो हमने इसको मुतारिफ किया है स्नो पे। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस थी हमारी 2010 की बात है ये, जब हमने बेसबॉल को स्नो पे मुतारिफ किया। उसके बाद हमारी एक लोकल चैम्पियनशिप हुई 2012 में, उसमें हमने लोकल 6 टीमें रखी थी अपनी जम्मू कश्मीर की रियासत की। तो उसके बाद हम इस हद तक कामयाब हो गए कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये गेम भी हम स्नो पे खेल सकते हैं, तो उन्होंने हमें दावत दे दी जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल ने। फिर हमने अपना प्रपोजल भी भेजा उसी हिसाब से, तो ये आप देख रहे हैं, तो आज उसका नतीजा आपके सामने है। तो ये फर्स्ट विंटर गेम्स जो हो रहे हैं उसमें हमारा स्नो बेसबॉल इवेंट भी उन्होंने रखा हुआ है, जिसमें हमने फिर ये भी हमने प्रपोजल दिया हुआ था हम 10-15 टीमें बाहर से बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट इसमें से आप ये चीज़ करें जो आपके नियर बाई स्टेट्स है, जो नियर बाई स्टेट्स मीन्स जो हमारा पंजाब जिनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, पंजाब है, हिमाचल है, या उत्तराखंड की बात है, या यूपी की बात है, राजस्थान की बात है, इसमें 12 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर की 2 टीमें हैं, बॉयज़ एज वेल एज़ गर्ल्स। तो ये वही बेसबॉल है जो समर में खेला जाता। अब इसमें थोड़ी हल्की सी हमने चेंज की है कि फील्ड होता है समर में बड़ा, इसमें हमने छोटा बना दिया, क्योंकि स्नो पे प्लेयर ज़्यादा नहीं दौड़ सकता क्योंकि स्लिपरी कंडीशन होती है। तो इसी हिसाब से हमने जो बेस टू बेस रनिंग होती है हमारी 90 फीट्स की, इसमें हमने 10 फीट कम कर दिए, 80 फीट्स का हमने रख दिया। और जो हमारा पिचिंग पोर्शन से बॉलिंग पोर्शन कहा जाता है वो भी हमने थोड़ी बहुत 5-6 फीट्स हमने उसमें भी कम कर दिए। और जो बॉल का कलर है, बॉल का कलर बेसबॉल में वाइट ही होता है और बर्फ भी वाइट है, तो इसमें कलर की भी हमने बॉल में चेंज कर दी। हमने जो विजिबल कलर प्लेयर को दिखे, बॉल दिखनी चाहिए प्लेयर को कि मुझे मेरे पास बॉल आ रही है। अगर ये वाइट होती तो प्लेयर को बहुत मुश्किल होता खेलना, तो हमने बॉल का भी इसमें इस हिसाब से कलर कर दिया। धीरे धीरे ये गेम बढ़ती जाएगी। देखिए मतलब ये आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि बेसबॉल हम स्नो पे मुतारिफ करें। अगर यूरोप की बात करें जिसमें स्विट्जरलैंड है, या आप हमारी जो एशिया का ये पोर्शन जो हिमालयन रीजन है उसमें भी आप देखें, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं ये सोचा कि इस बेसबॉल को हम मुतारिफ करें बर्फ़ में। तो उन्होंने सोचा हम कामयाब हो गए, तो मैं फ़ख्र जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत ऐसी है जिसने बेसबॉल को बर्फ़ पर मुतारिफ किया।